नमस्कार दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज की, क्योंकि मेरे साथ है अनिल नेगी जी। तिब्बत बॉर्डर के पास किन्नौर के एक लियो गांव से आए हैं दिल्ली में अपना ऑर्गेनिक सेब देने। इस वक्त मैं मुखर्जी नगर के इलाके में हूं और ये इनका सेब है, प्योर ऑर्गेनिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये सेब अभी इनका खेत से ही 180 से 200 रुपए किलो बिक सकता है और बिक रहा है वहाँ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल 200 रुपए किलो में होम डिलीवरी देने दिल्ली आए हैं 900 किलोमीटर का सफर करके। जो सेब ये 200 रुपए किलो वहीं अपने खेत में बेच सकते थे, उसी सेब को इतनी दूर सफर करके, गाड़ी में पैसा लगा करके, घर घर इस सेब की डिलीवरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये इनसे जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं, यही सेब अभी मार्केट में 250 रुपए से 400 रुपए किलो बिक रहा है। मॉल में 400 रुपए किलो मिलेगा, 250 से 300 रुपए किलो आपको किसी भी दुकान पर मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी आप देखिए सेब की। मैं पंकज से कहूंगा कैमरा नजदीक करे, ये क्वालिटी आप देखिए इस सेब की। ये प्योर ऑर्गेनिक किन्नौर के गांव का सेब है, बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के पास में, और इतना प्योर, इतना गजब का सेब शायद आपको कहीं कहीं देखने को मिले। मैं देखिए आपको थोड़ा रब करके दिखाऊं, ये प्योरिटी देखिए आप, इसकी चमक देखिए, ये बात बिल्कुल हैंड पिक्ड है, नेचुरल है। अब चलिए बात करते हैं अनिल जी से कि ये सेब 200 रुपए किलो खर्चा करके, प्योर ऑर्गेनिक सेब, सीधे होम डिलीवरी क्यों देने आए हैं, क्या कारण है? अनिल जी बताइए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप पहले तो ये बताइए सेब ऑर्गेनिक कैसे? हमारा एरिया है तिब्बत बॉर्डर के साथ है, तो वहाँ पे मतलब पूरा वेजिटेशन है नहीं, कोल्ड डेजर्ट एरिया है, तो ड्राई एरिया है वो सब। तो ड्राई एरिया में आपको पता है कि मॉइस्चर नहीं होते, तो मॉइस्चर नहीं होते पेड़ों पर बीमारी भी नहीं होती, तो केमिकल की ज़्यादा स्प्रे की जरूरत नहीं होती है। धूप बहुत अच्छी लगती है, उस वजह से कलर और साइज भी बढ़िया है। तो आप ऑर्गेनिक उगा रहे हैं बिल्कुल प्योर? हाँ जी हाँ जी। फिर लोग स्प्रे करते थे पहले, पर धीरे धीरे स्प्रे की वजह से पेड़ सूखने लग गए। एग्जाम्पल हमारे गांव में भी है, काफी सारे गांव में है, तो धीरे धीरे फिर लोगों ने केमिकल से हटना शुरू कर दिया, तो अभी ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। स्प्रे से दूर हो गए, केमिकल से दूर हो रहे हैं। लेकिन आप इतनी दूर से यहाँ दिल्ली में होम डिलीवरी केवल 200 रुपए में कैसे दे रहे हैं? सर ये सर अपने मेरे खुद के फार्म के खेत है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से खरीद के बेच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, मेरे खुद के फार्म है। और 200 रुपए एक जायज रेट है, अच्छा रेट है, लोगों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी ठीक है इतना। सर ऐसे मार्केट में इस साल थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी है, इस वजह से 180 से 200 रुपए किलो मार्केट में बिक रहे हैं होलसेल में, पर फिर भी हमारे तो कस्टमर परमानेंट है, सबको सेब पसंद आते हैं, तो हम 200 रुपए किलो ही दे। मतलब आपके कस्टमर परमानेंट है तो उनको जायज रेट में देना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं 4 साल से जुड़ा हुआ, तो वही हमारे परमानेंट कस्टमर है, तो उनको फिर ठीक रहता है कि अच्छे रेट में कर कर दे देते हैं। दोस्तों ये सेब अभी होलसेल में अगर ये वहीं से बेचते तो भी 180 रुपए से लेकर 200 रुपए वहीं बिक जाते किन्नौर में, न गाड़ी लेकर यहाँ आना पड़ता, न घर घर डिलीवरी देनी पड़ती, इतने ही रेट में किन्नौर से मंडी में बिक जाते। लेकिन वहाँ नहीं बेचे, कारण जो बताया कि ये पिछले 4 साल से ऑर्गेनिक सेब उगा रहे हैं और धीरे धीरे इन्होंने कस्टमर बनाए। कस्टमर का भी मैं धन्यवाद करूंगा इनके माध्यम से, क्योंकि 4 साल पहले शायद उतना रेट वहाँ नहीं था, फिर भी कस्टमर ने इनको वाजिब रेट दिया और एक ट्रस्ट दिखाया, एक विश्वास जताया, उसी विश्वास को ये आगे बढ़ा रहे हैं कि अब मार्केट में महंगाई है, सेब है नहीं, इसीलिए रेट ज़्यादा, फिर भी इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, नहीं तो कस्टमर आज इनको 250-300 रुपए किलो के हिसाब से आराम से दे देते, क्योंकि क्वालिटी आप देखिए कितना गजब का सेब है और ऑर्गेनिक है, आप इसे वैसे ही खा सकते हैं, खाली धोइए और हैंड पिक भी है, हैंड पिक है, हाथ से भरे हुए हैं, मशीन का यूज नहीं, कोई मशीन का यूज नहीं किया है। लेकिन सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं ताकि कस्टमर ने जो विश्वास इन पे दिखाया उसको ये अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। रेट इनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कस्टमर का प्यार और विश्वास है, जो ये बता रहे हैं। नहीं तो मैं दिखाऊं, देखिए कैमरा पैन करके, ये मुखर्जी नगर का इलाका है और इसी इलाके में यहाँ पर ये कुरियर कर रहे हैं और ये इसके माध्यम से जाएगा। मैं पंकज से कहूँगा क्लोज करके दिखाए, क्या गजब सेब है ये देखिए आप, और ये आपको देखिए नेचुरल है, इसको हाथ से आप रब कीजिए कितनी शाइनिंग आएगी, देखिए मतलब थोड़ा सा आप लगाइए, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं है, ये सेब आपको ये कस्टमर को दे रहे 200 रुपए किलो। मंडी में जाकर पूछेंगे दुकान पे, यही सेब आपको 250-300 और मॉल में 400 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन अनिल कुमार नेगी जी अपना ऑर्गेनिक सेब दिल्ली आकर के डिलीवरी देश भर में दे रहे हैं केवल 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। हम ये स्टोरी आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अनिल कुमार जैसे लोगों को हौसला मिले और जो अच्छी चीजों के कद्रदान हैं उनको भी बढ़ावा मिले, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो किसानों से जुड़ना चाहते हैं, शुद्ध चीज लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें शुद्धता मिलती नहीं और रेट भी बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार। उसी चीज को अनिल कुमार जी समझ रहे हैं
कि रेट भी वाजिब मिले और कस्टमर को डायरेक्ट शुद्ध चीज मिले, लेकिन इसमें मेहनत कितनी है वो आप एक बार सुन लीजिए। आप कब चले, कहाँ से चले और कैसे, बताइए। सर देखो, हम खेती बाड़ी खुद ही करते हैं, पेटी वगैरह ढोते हैं, लेबर तो होते हैं, फिर हम लोग खुद लगना पड़ता है। देखो हाथ का, देखो मतलब पेटी ढो ढो के, मतलब हाथ वगैरह, ये देखिए पेटी, पेटी खुद ढो रहे हैं और इस मतलब, ये आप देखिए, मतलब वहाँ से खुद ही पेटी को पैक किया उसके बाद ट्रक में लोड करते हैं, लेबर भी साथ देते हैं, पर फिर भी मतलब मेहनत तो बहुत। आप खुद चले हो वहाँ से? मैं खुद चला हूँ, लगभग 900 किलोमीटर है दिल्ली से हमारा घर, तो मैं कल परसों सुबह का चला हूँ, तो कल रात को यहाँ दिल्ली पहुँचा हूँ, तो आज हम लोग डिलीवरी दे रहे हैं। सर यही है कि सब लोग अगर ये नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़े हैं, सब लोग अपना अच्छा रिस्पॉन्स करें, तो हम लोगों को हिम्मत मिलती है सारे किसानों को। तो अगर आप लोग जैसे कई बार सेब, तो सेब है इस साल जैसे थोड़ा कम हुआ, तो सेब का साइज़ और कलर अच्छा है, अगर अगले साल थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो साइज़ थोड़ा कम आएगा, कलर भी थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन नेचुरल में अगर आप लोग सब सहयोग करोगे तो हम लोग सब मतलब इसी तरह से सब नेचुरल उगाएंगे सेब, और नेचुरली आप लोगों को घर तक डिलीवरी देंगे। हम बीमारी बांटना नहीं चाहते, अब बीमारी ऐसे कि स्प्रे से आप शाइनिंग तो बहुत कुछ ला सकते हैं, पर बीमारी ऐसे वो करके फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग सब सपोर्ट करें जितना हो सके, ताकि हमारे एरिया में जितने लोग हैं हमको देख के थोड़ा ऐसा कि नेचुरल फार्मिंग में ज़्यादा ध्यान दे सकते। देखिए अनिल जी क्या कहना है कि हम ईमानदारी से शुद्ध चीज़ें देना चाहते हैं, कस्टमर हमें सपोर्ट करें और सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनका सारा सेब अभी बिक रहा है और इनकी मार्केट बढ़ रही है, पर 4 साल लगे इनको इस मुकाम तक पहुंचने में। और बहुत सारे लोग आए मेरे खेत में आके देख के गए, यहाँ दिल्ली से आए, मुंबई से आए, गुजरात से भी आए, खेत तक पहुंचे किन्नौर में। हाँ जी, सेब खाने के बाद वो स्पेशल आए, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बढ़िया है, मतलब वहाँ के धूप वहाँ का जो वातावरण देख के उन्होंने बोला बहुत अच्छा है सेब, मतलब काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए किन्नौर से जब ये सेब लोगों तक पहुंचता, मान लीजिए ये सेब आप लेंगे तो खाने के बाद आपको लगेगा यार खेत तो देख कर आना चाहिए, ऐसा ही किन्नौर पहुँच गए, मतलब 900 किलोमीटर बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर के पास है इनका गांव, शॉर्ट्स में आपको दिख रहा होगा इनके सेब। अब ये सेब वहीं पर बेच सकते थे आप? सेब तो देखो हमारा रुकता ही नहीं है, अभी आप सेब पेड़ पे, तो पेड़ पे बिक जाते हैं, पेड़ पे बिक जाता, भाव भी अच्छा मिलता है। मेरे गांव में आप मैक्सिमम लोग पेड़ पे बेच चुके हैं, अभी 70% लोग पेड़ पे बेच चुके हैं, 30% लोग हैं जो मतलब खुद बेचते हैं। अच्छा, वहाँ से चलने में आपको खर्चा काफी पड़ गया होगा? खर्चा तो अंजे सर, खर्चा तो काफी आता है, पर क्या करें, सर्विस देना है लोगों को, अच्छा चीज खिलाना है, ये भी एक बात है, हमें भी थोड़ा ठीक मार्केट में घूमना ना पड़े, लोगों तक घर घर पहुँचाएं, घर घर पहुँचने से ये होता है कि सब बताते हैं आपका सेब कैसा है, अगर मार्केट में बिकता तो हमें पता नहीं चलता हमारा सेब कैसा है, अब इसमें हमें पता चलता है कि क्या हमें क्या और करना है, क्या लोगों के रिस्पॉन्स क्या है, वो डायरेक्ट मिलता है तो अच्छा भी लगता है, हम खेती में और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है कि डायरेक्ट देते हैं तो कस्टमर रिव्यू देते हैं, रिस्पॉन्स बताते हैं कि कैसा लगा, और वो जब अच्छा बताते हैं तो हौसला मिलता है और बेहतर करने की हिम्मत आती है, ये इनका कहना है और वास्तव में काबिले तारीफ है, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अपना ऑर्गेनिक सेब सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली तक मेहनत करके आए हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ा है लेकिन रेट नहीं बढ़ाया, ये कदरदानी है इनकी कस्टमर के प्रति और कस्टमर की इनके प्रति कि कैसे अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले। नंबर हमने दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं और हो सके तो विजिट भी कीजिए, किन्नौर जाइए, पता भी हमने लिख दिया है, इस पते पर फोन करके आप एक टूर भी बनाएंगे अगले सीजन में सेब। आप तो सीजन अब तो खत्म होने वाला है, लेकिन सीजन कब से शुरू होता है आपका? सितंबर लास्ट से शुरू होता है, सितंबर लास्ट से अक्टूबर लास्ट तक मतलब अभी भी टाइम है, थोड़ा सेब मिलेगा, इस साल थोड़े कम है, जल्दी खत्म हो जाएगा, 20 अक्टूबर 22 अक्टूबर तक खत्म, अब तो खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ 12 अक्टूबर 2023 को, और इस वक्त इनके सेब लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अगले साल इसी समय आप जा सकते हैं, सितंबर लास्ट से और अक्टूबर मिड या अक्टूबर लास्ट तक, तो सेब आप इनसे मंगवाइए, अगले साल के लिए बुकिंग कीजिए, क्योंकि इस साल शायद आपकी बुकिंग हो चुकी है या अभी बाकी है? अभी तो होगी, इस साल के लिए होगी सर, इस साल की सारी बुकिंग हो चुकी है। वीडियो सिर्फ इसलिए दिखाया कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले, हौसला मिले और आगे के लिए रास्ते खुले, बाकी लोग भी ऐसे जुड़े ताकि उनको भी रिस्पॉन्स, बाकी लोग भी ऐसे जुड़े। उनसे हमारे बहुत बड़े मतलब लामा जी हैं, उन्होंने बोला था कि मतलब जो स्प्रे करते हैं वो भी एक पाप है, तो उस चीज़ को फॉलो करके हमारे से दो तीन गांव, एक दो गांव पर एक गांव है दो तीन, मतलब उन्होंने बिल्कुल बंद किया था, तो वहां से भी हमें बहुत हौसला मिला, थैंक यू, धन्यवाद, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। आपके आगे कोई गांव है? हाँ जी, लामा जी हैं वहाँ के, बहुत बड़े लामा जी, तिब्बत में है कोई या अपने इंडिया में? इंडिया में 18th rebirth है उनका, अपने भारत में। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप केमिकल मत लगाओ, उन्होंने बोला कि ये जो स्प्रे कर रहे हैं ये भी पाप है, और उनको फॉलो करते हैं सब लोग, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसी टाइम बंद कर दिया, तो 3-4 साल तो काफ़ी मुश्किल हुआ, सेब अच्छे से हुए नहीं, लेकिन पेड़ अभी बहुत बढ़िया।
ये देखिए, वहाँ पर इनके गांव से आगे कोई गांव है, लामा है वहाँ। उन्होंने कहा कि केमिकल स्प्रे करना पेड़ों पर पाप है, उसी बात को फॉलो किया इन्होंने और 3-4 साल तक सेब कम हुआ जैसा, लेकिन मेहनत वो छोड़ी नहीं इन्होंने, प्रयास जारी रखे और आज रिजल्ट आपके सामने है। ये मैं दिखाऊँ, ये देखिए दूसरा सेब है इनका, ये ग्रीन एप्पल है, ये रेड एप्पल है। एक एक सेब आप देखेंगे तो आपका मन करेगा कि ये सेब आपको क्यों नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं, अगले साल के लिए आप ये सेब इनसे मंगवा सकते हैं। इनसे ही नहीं, और भी बहुत से किसान इनसे जुड़ेंगे, उनको भी हौसला मिलेगा और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है, शुद्ध चीज़ें उगाने वाले लोगों को सीधा आपसे मिलवाया जाए ताकि इन्हें हौसला मिले और आपको शुद्ध चीज़ें मिलें। इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इनकी मेहनत की कद्र देश भर के और विदेशों में लोग कर पाएँ। ऐसे किसान हजारों लाखों हैं जो इतनी मेहनत से शुद्ध चीज़ें तैयार करें, उन सबको आगे बढ़ाने की और हौसला देने की मुहिम है टेक्निकल फार्मिंग। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।